dear student, today we will discuss about the NTSC examination. You know very well, in NTSC examination there are two types of papers. First one is a mental ability, second one is a SAT. NTSC, National Talent Search Examination. Each and every year, near about 10 lakh student appear in that particular examination. इस exam का benefit क्या है? Benefit ये है, अगर NTSC के दोनों level, NTSC level first, NTSC level second, अगर आपने दोनों examination crack कर लिया तो 11th and 12th 1250 rupees per month. 12th में भी 1250 rupees per month government है आपको transfer करेगी. Graduation and post graduation के time में 2000 per month. Second thing, अगर आप PhD करते हैं उस टाइम में UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका 3000, 4000 वो आपको मिलता है. इस एग्जामिनेशन का ये तो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया. सेकंड बेनिफिट ये है, जिस भी स्टूडेंट ने NTSC का लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड कोई भी फेज है वो क्लियर किया है, इट मींस वो स्टूडेंट 12th के साथ में चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो चाहे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो वो एग्जामिनेशन 12th के साथ क्रैक करेगा. पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट वही सेलेक्ट होते हैं 12th के साथ में जिनका NTSC का लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड है वो क्लियर हो. अब रही बात कि हमें कहाँ किस तरह से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हम बेसिक से इन चीज़ों को समझेंगे. फर्स्ट थिंग कि NTSC कंडक्ट टू पेपर इन वन डे. फर्स्ट वन इज ए मैट, सेकेंड वन इज ए सेट. मैट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं जो हमें 2 आवर्स के अंदर सोल्व करने होते हैं. ईच क्वेश्चन हैव द 1 मार्क्स. सेट के अंदर साइंस से जो आपका साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इससे 40 क्वेश्चंस आते हैं. एसएस से सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ से 20 क्वेश्चंस आते हैं. ये पेपर भी 100 क्वेश्चंस का होता है और टोटल इसमें 2 आवर्स होते हैं. हर साल इसकी कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रही है. अब हम लोग देखेंगे ये रेशियो, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मैट का है, मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट. मीन्स इसको हम सेकंड लैंग्वेज या सेकंड वर्ड रीजनिंग भी बोलते हैं. और आप यू नो वेरी वेल, इंडिया में ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते. अगर आपको 9th 10th
क्लासेस के अंदर ही ये सारा सब कुछ रीजनिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर करने को मिल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ट्वेल्थ लेवल के ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते। टोटल रीजनिंग में 35 चैप्टर्स होते हैं, उन 35 चैप्टर्स की स्टडी है फॉर द NTSC एग्जामिनेशन हम लोगों को करनी होती है। अब मेंटल एबिलिटी इज ए सेकेंड फॉर्मेट या सेकेंड फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिक्स, मीन्स मैथमेटिक का ही एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर जिस स्टूडेंट की मैथ्स अच्छी है, जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट अच्छे हैं, वो इसको मैथ को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। और सिलेक्शन भी उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिन स्टूडेंट्स का 90+ स्कोर NTSC के मैथ पेपर में होता है। तो ये मान के चलो, इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट इन NTSC एग्जामिनेशन, यू डू योर हार्ड स्टडी ऑन मेंटल एबिलिटी। अभी आपको अच्छे से पता है कोरोना COVID-19 की वजह से सारे जो कंट्री है उसमें 21 डेज का शटडाउन लगा हुआ है, चारों तरफ सारे चाहे स्कूल हो कॉलेजेस हो सारे बंद है। तो हम लोगों ने भी ये प्लान किया कि पर डे आपको एक चैप्टर है वो रीजनिंग के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करवाए और उसकी जो भी प्रैक्टिस है वो आप प्रैक्टिस अपने घर पे करें, ठीक है। अब हम लोग नाउ वी आर स्टार्टिंग मैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, ए नंबर दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 and n, that is the natural number. Second one is a whole number, zero, 1, 2, 3, 4, n. What is the basic difference between natural number and whole number? Natural number start from 1, whole number start from 0. Third one is a integer. -4, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 5, 7, and so on. It means non-fractional number, either negative or positive. These are the integer number. And next one is a square. अच्छे से पता है हमें, let's suppose 1 का square means 1 into 1 is equal to 1. 2 square 2 into 2 is equal to 4. 3 square 3 into 3 9, and so means खुद का खुद से मल्टीप्लीकेशन। अब सबसे बड़ी बात कि हमें स्क्वेयर नंबर्स है, क्योंकि आपके जितने भी जो रीजनिंग के अंदर चाहे आपका नंबर सिस्टम हो, चाहे आपका अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे आपकी पजल्स हो, चाहे आपके सिलोलिज्म हो, उनमें सब में हम लोग किसी न किसी फंडामेंटल्स को यूज़ करते हैं। और स्क्वेयर नंबर्स है, कई बार बहुत बार सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपको अंडर रूट में मेंशन होता है, उसमें भी वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो स्क्वेयर नंबर है वो मेंशन होता है। अगर आपको स्क्वेयर नंबर आता है देन यू विल सोल्व योर क्वेश्चन, अदरवाइज आप लोग कैलकुलेट करते रहते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एक पेपर है जिस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है और उन 100 क्वेश्चंस को अपने को 120 मिनट्स के अंदर सोल्व करना है। इट मींस
क्वेश्चंस सबको आते हैं, इसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है मेंटल एबिलिटी का वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन सब सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिनकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ हो, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इतना टफ पेपर होता नहीं है जैसा स्टूडेंट इमेजिनेशन करते हैं। इट मीन्स ये मान के चलो कि हमें लगभग नियर अबाउट 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रहा है, अगर आपने कैलकुलेशन में ही वो टाइम वेस्ट कर दिया तो आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता, पेपर बहुत बड़ा था, मेरे से सर सोल्व ही नहीं हुआ, तो वो वाली प्रॉब्लम है वो आपकी फिर आएगी। तो इनको हम लोग आसान स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और उससे आपकी जो कैलकुलेशन है, क्योंकि ये सारा सब कुछ है डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, इफ़ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस हार्ड देन आई एम 100% श्योर यू विल सेलेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं अपन स्क्वेयर नंबर की। मैंने आपको बताया कि हमें बहुत बार, मैं जब भी रीजनिंग की क्लासेस लेता हूं उस टाइम में सब स्टूडेंट से मैं एक ही बात बोलता हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट थिंग, कि आपको स्क्वेयर नंबर्स है वो 1 से 36 तक लर्न करने, मींस सिर्फ आपको 1 to 36 तक के स्क्वेयर है वो लर्न करने। एक बार आपने उसको नोट डाउन कर दिया, सारे मैं नोट भी कर सकता हूँ बट दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। 37 to आगे के जितने भी जो नंबर्स है, लगभग अपने को 130 तक के स्क्वेयर नंबर्स की नीड होती है इन कैलकुलेशन, उन नंबर्स को हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन करने में हमारा लगभग 20 to 25 सेकेंड्स का टाइम, या कई बार तो 40 to 45 सेकेंड्स का टाइम भी वेस्ट टाइम भी लग जाता है, जिस उसके बाद में भी हमसे सोल्व नहीं होता है। तो 31 to 36 तक के नंबर्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद में 37 to 49 तक के नंबर है उनका स्क्वेयर फाइंड आउट करना मैं आपको सिखाता हूँ। दैट इज मैजिकल गेम, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप अपने 100% कंसंट्रेशन के साथ ये देखें, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। ये आपके NTSC में नहीं, आप जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन फेस करेंगे, चाहे वो बैंक्स का हो, चाहे वो रेलवेज का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो RS लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे कितने भी टाइप का एग्जामिनेशन, उन सारे एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ वहाँ आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। और आई एम श्योर कि आप लोग मेंटल एबिलिटी के अंदर, अगर आपको जैसे टिप्स दिए गए उन टिप्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। चलो स्टार्ट करें, 37 से ही ले लेते हैं अपन। 37 का स्क्वेयर, अब 37 इसका स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। स्टे फर्स्ट, ये किसके नियरेस्ट है, मींस 50 के नियरेस्ट है। स्टेप सेकंड, कभी भी स्क्वेयर है उसका जब मैजिक हम लोग डिराइव करते हैं उस टाइम में हमें बेस है वो चाहे 50 हो चाहे 100 हो वो हमें लेना पड़ता है, तभी हमारा आगे की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी हो जाती है। स्टेप सेकंड में जो नंबर आपको गिवन है उसको 50 में से लेस कर दिया, दैट इज 13। अब स्टेप्स थर्ड, फिफ्टी का हाफ 25 में से ये नंबर लेस कर दिया, माइनस 13, दैट इज 12। 12 को एज इट नीचे नोट कर दिया। अब 13 का स्क्वेयर, अभी मैंने बताया था कि हमें 1 to 36 के स्क्वेयर लर्न करने, 13 का स्क्वेयर 169 होता है, वो मैंने 169 नोट किया, सम किया, 1369 इज योर फाइनल आंसर। कितना टाइम लगा, जस्ट इमेजिन। आपको लग रहा होगा कि सर इससे बढ़िया तो मैं
37 को 37 से मल्टीप्लाई करता, 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 4 25, 21 9 प्लस 2 11, इससे ही कर देता। अब मैं बोलता हूँ इससे क्यों, मेरे पास इसका भी मेथड है। लो, इसमें मुझे मान लो कि 22-25 सेकंड्स का टाइम लगा है, 37 इन दोनों का, दैट इज दैट 2/2 कोस मल्टीप्लीकेशन, 7 × 7 49, 4 इज द कैरी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सम अप, 3 × 7 21, 3 × 7 21, 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 4 46, 4 इज द कैरी, लास्ट स्टेप 3 × 3 9 प्लस 4 13। मैंने तो 5-10 सेकंड में ही कर दिया, फिर वहाँ क्यों ज़रूरत है? बिकॉज दीज कैलकुलेशन वी विल सोल्व विदाउट एनी कॉपी पेन। वाई? बिकॉज यू नो वेरी वेल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज गोइंग ऑन ऑनलाइन, और ऑनलाइन में आप इनको वहाँ से स्क्रीन से नीचे नोट करेंगे, इतने में ही आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। सो वी नीड टू विदाउट कॉपी पेन प्रैक्टिस, और विदाउट कॉपी पेन प्रैक्टिस है आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल रियलाइज कि हमें ये स्टेप्स लिखनी नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे 46 का स्क्वायर निकालना है, मैं बिना कोई कॉपी पेन के 50 में से कितना लेस 4, 25 में से 4 लेस किया 21, एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2116। हार्डली मुझे 3 सेकंड्स का टाइम लगा। आई सोल्व द क्वेश्चन, 46 50 में से लेस किया, 4 बचा, 50 का हाफ 25 माइनस 4 दैट इज 21, 21 ऐसा कैसा नोट किया, 4 का स्क्वायर 16। मैंने भी कर दिया, इसमें मुझे 7-10 सेकंड लगे, इसमें मुझे 3 सेकंड्स लगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर द प्रैक्टिसिंग दैट इज वेरी इजी। उसके बाद में आपको अगर ऐसे यकीन नहीं हो रहा, नहीं सर आपने तो गलत बताया, आई हैव ऑल्सो प्रूफ मेथड, 6 × 6 36, 3 इज कैरी, 6 × 4 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 3 51, 5 इज कैरी, 4 × 4 दैट इज 16, 16 प्लस 5 21। सेम है यार, कितना भी कर लो सेम ही आंसर आएगा। इट मीन्स जो हम कर रहे हैं, जो हम सारा जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग आवर टाइम, और टाइमिंग को सेव करने के लिए हमें ये फास्ट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवा दिए, इट मीन्स अब आपको 37 to 49 तक के जो भी स्क्वेयर, 49 तक के जो भी स्क्वेयर है, वो आपको इस मेथड से फाइंड आउट करना है। उसके साथ में आपको 2/2 मल्टीप्लीकेशन मेथड है, उससे भी सोल्व करना है, जिससे आपकी 2/2 मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद में आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। नेक्स्ट, सर 49 तक तो बता दिया, व्हाट अबाउट रिमेनिंग? आई हैव ऑल्सो ट्रिक। कईयों को बहुत मजा आ रहा है कि पता नहीं कौन सा मैजिक चल रहा है। 51 to 79 इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 73, ले लिया 73 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब स्टेप फर्स्ट, वहाँ पे हम लोग 50 में से लेस कर रहे थे, यहाँ जो गिवन डिजिट है उसमें से 50 को लेस करेंगे, तो 73 माइनस 50
दैट इज 23, ठीक है। उसके बाद में स्टेप सेकंड, ट्वेंटी फाइव, फिफ्टी का हाफ कितना था 25, वहां हम लोग 25 माइनस कर रहे थे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे 25 माइनस 20 प्लस 23 कितना आ गया 48। 23 का स्क्वेयर करो कैलकुलेट, मुझे तो आता ही नहीं है। 5 2 9 5 2 9 9 2 13 5 5 3 2 9 इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं 73 73, 3 by 3 दैट इज 9, 7 into 3 21, 7 into 3 21 दैट इज 42, 4 इज कैरी, 7 into 7 49, 49 plus 4 53। इट मीन्स हम लोग इन तरह की ट्रिक से अपनी जो कैलकुलेशंस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उससे हमें ये बेनिफिट होगा, हमारा पेपर है बिफोर 10 मिनट, बिफोर 15 मिनट ही सोल्व हो जाएगा, जिससे हमें क्रॉस चेक करने में बड़ी आसानी होगी और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनके राइट होने की प्रोबेबिलिटीज़ है वो मैक्सिमम होगी। अब सर 79 तक तो हो गया, अब कई कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा सर 49 तक का बताया 50 का नहीं बताया। बेटा 59 में क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 20 लगा दिया। ऐसे ही 80 का भी मैंने नहीं बताया, 80 का अपने को पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 00 मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग 81 to 100 99, 100 की सबको आती है, इसकी ट्रिक है वो फाइंड आउट करेंगे। मैं एक इजी नंबर ले लेता हूं, कोई भी नंबर इजी से स्टार्ट करते हैं अपन, 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर्स जिसके नियरेस्ट होगा, क्योंकि 96 नियरेस्ट टू 100, तो हमें 100 से हमारी कैलकुलेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट 100 माइनस 96 दैट इज 4, स्टेप सेकंड 9, ये 4 आया, इसको मैंने 96 माइनस 4 दैट इज 92, 92 को मैंने एज इट मेंशन किया, और व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16, 9216 इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं 36 3 54 54 plus 54 108 108 plus 3 111 1 11 is carry 9 into 9 81 81 plus 11 92, इट मीन्स हम इन तरह की कैलकुलेशन से बहुत इजीली हमारे आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 89 सेम मेथड, 100 माइनस 89 दैट इज 11, स्टेप सेकंड 89 माइनस 11 दैट इज 78, 78 को मैंने नीचे नोट कर दिया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121
1, 2, 9, 7. 7, 9, 2, 1 इज योर फाइनल आंसर. वी विल चेक. सेम मेथड है, आप चेक कर लीजिए. 8, 9, 8, 9, 8, 72, 72. सम अप करना है. 4, 114, 114 + 8, 152. फिफ्टीन कैरी. 8 × 8, 64. 64 + 7, 9. मीन्स आप लोग बहुत आसानी से ये सारी कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं. बस आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है. विदाउट कॉपी पेन यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब लास्ट स्टेप 1, 0, 1, 2, 1, 30. ये भी बहुत आसान है. क्या आसान है? मैं 106 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहता हूँ. स्टेप फर्स्ट, 100 से कितना प्लस है? 100 से प्लस है कितना है? 6 है. उसको उसी नंबर में ऐड कर दो. 106 + 6, दैट इज 112. 6 का स्क्वायर 36. 11236 इज योर फाइनल आंसर. रिमेनिंग सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इसी तरह से करनी है. ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको फर्स्ट से लेके 130 तक के जो भी स्क्वेयर है वो आपको बनाना, वो आपको याद करना. क्योंकि याद करने का, मेमोराइज करने का मैंने 1 to 36 किया है. थैंक यू सो मच.